नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे छोटे बच्चे की पैंडी कटिंग कैसे करते हैं। तो 22 इंची पैंडी कटिंग हम आपको बताएंगे। तो इसकी लंबाई है 27 इंची और कमर है 22 इंची और उसकी थाई है 26 इंची, बैगी है इसकी 17 इंची और इसकी मोहरी है 12 इंची। तो इसी नाप के अकॉर्डिंग हम आपको पैंट काट के दिखाएंगे। तो ये हमने एक मार्क ऊपर खींच लिया। तो हमने एक इंची ऊपर निकाल कर जिस 27 इंची पर मोहरी का मार्क लगाया है और नीचे दबाव के लिए मोहरी में ये हम 2.5 इंची रखेंगे इसमें और इसको सीधा कर देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने ये 3 इंची बढ़ाया है आगे की तरफ और हमारी मोहरी है 12 इंची, तो इसका हाफ हो गया 6 इंची। तो 6 इंची पे मार्क करेंगे। अब इसकी कमर लिख लेते हैं, 22 इंची इसकी कमर है और यहाँ पर हम इसकी लटक जो है हिप के हिसाब से लटक रखेंगे। तो 26 का चौथा हिस्सा हो गया 6.5, तो हम इसको 7 इंची पर रखेंगे। आधा इंची इसको बढ़ा के रखनी है, बच्चे की पैंट है इस वजह से। तो इसको हम सीधा कर देते हैं यहाँ पर। तो इसकी थाई जो है वो है 17 इंची, तो इसका हाफ हो गया 8.5 इंची और 1.5 इंची अंदर की तरफ फिलाई के लिए करते हैं। अब यहाँ से इसकी हम आगे नापेंगे कमर। तो सबसे पहले हम किनारे की तरफ से 1/2 इंची आगे बढ़ा लेते हैं और 1/2 इंची इसका मार्जिन के लिए। तो इसकी 22 इंची कमर है तो 5.5 इंची पर निशान लगाएंगे और 1/2 इंची इसकी दबाव के लिए रखते हैं। तो यहाँ पर ये निशान लग चुके हैं और यहाँ पर हम 1/2 इंची इसको डाउन करके इसको सीधा खींच देते हैं। और यहाँ पर 1.5 इंची पर इसका क्रॉस पॉकेट का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम निशान लगाएंगे 6 इंची पर पॉकेट के लिए। इसको सीधा कर देते हैं यहाँ। और सेपर फंटी से इसको हम मार्क को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तो हमारे मार्क लग के कंप्लीट हो चुके हैं और आइए हम करते हैं अब इसकी कटिंग। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें तभी आपकी समझ में आएगी। तो दोस्तों मार्क से ही कटिंग करनी है आपको इस तरीके से। तो ये हमने आगे के पल्ले काट लिए हैं दोनों और यहाँ पर फिलाई के लिए एक कट लगा देते हैं और एक कट लगा देते हैं क्रॉस पॉकेट के लिए। तो ये हमारे आगे के पल्ले कट चुके हैं, हम काटते हैं पीछे वाले पल्ले। तो पीछे पल्ले काटने के लिए हमने इस तरीके से कपड़ा रखा है ये। और यहाँ पर हमने अपने आगे वाले पल्ले इस तरीके से यहाँ आपको रखने हैं मिलाते हुए कपड़े को। और इस मार्क को आगे तरफ सीधा कर लेंगे और यहाँ पर कमर के लिए ऊपर हम रखेंगे इसमें 1.25 इंची पर और इसको भी सीधा कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ मोहरी के लिए हमने मार्क सीधा कर लिया और यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे 1.5 इंची पर।
और यहाँ पर पीछे की तरफ सेपर फंडी लगाने के लिए हम 7 इंची पर मार्क करते हैं। और इस मार्क से देखिए 7 इंची पर आपको मार्क करना है और यहाँ पर इसको 1.5 इंची निशान लगाना है आपको, और पीछे की तरफ यहाँ 2.5 इंची पर आपको निशान लगाना है और अपनी सेपर फंडी से इस तरीके से इसको मार्क को सीधा कर देना है। और हम नापते हैं अब इसकी कमर, तो हमने 1/2 इंच इसका मार्जिन छोड़कर कमर का निशान लगाया है 1/4 हिस्सा लगाकर, और 1 इंची प्लेट के लिए और 2 इंची इसकी दबाव के लिए कमर के लिए हमने रखा है। और यहाँ पर हमने इस तरीके से आपको हिप के हिसाब से 1.5 इंच लूजिंग देते हुए आपको निशान लगा के दिखाया है। और निशान कंप्लीट हो चुके हैं, अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो दोस्तों आपको इस तरीके से कटिंग करनी है ये, और यहाँ पर पीछे दबाव छोड़ते हुए हम इसको कटिंग करेंगे पैंट की। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको छोटे बच्चे की पैंट काट के दिखाई है जिसकी कमर है 22 इंची। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और यहाँ पर हमने पिछले निशान उठा लिए हैं, इस तरीके से आपको निशान उठा लेने हैं। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है।